हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SS खाना खजाना में। आज हम बना रहे हैं दही फ्राई। तो दही फ्राई के लिए हमें चाहिए थोड़ा जीरा, नमक, राई, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज। तो चलिए शुरू करते हैं। दो प्याज लेने हैं और दो हरी मिर्च। प्याज को हमें स्लाइसेस में काटना है। अब हरी मिर्च को गोल गोल काट लेना है। अब हमें लेना है 2 कप दही, करीब 300 ml के आसपास, और उसे अच्छे से फेंट लेना है। दही फेंटने के बाद दही को साइड में रख देंगे। चलो अब तड़के की तैयारी करते हैं। एक हांडी को चूल्हे पर रखेंगे और उसमें करीब 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा जीरा, थोड़ी सी राई और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से प्याज अब इसको अच्छे से हिला लेना। प्याज और हरी मिर्च थोड़ी सी पकने के बाद उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ग्लास का 1/4 हिस्सा पानी डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा स्वादानुसार और इसको 2 मिनट के लिए और पकाना है। अब इसमें बारीक हरा कटा हुआ धनिया डालेंगे और मसाला हमारा पक के तैयार हो गया है। अब हांडी को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। और इसमें धीरे धीरे करके पहले से तैयार किया हुआ दही डालेंगे। दही को अच्छे से मिक्स कर लेना मसाले में। हमारा दही फ्राई बनके तैयार हो गया है। अब इसको एक सर्विंग प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। हमारा लाजवाब दही फ्राई खाने के लिए तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।